2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं और राज्य सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने धर्मनगरी पहुंचकर ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर मां गंगा का पूजन किया। इसके बाद वो शाम को होने वाली गंगा आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, वो लगातार इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार को किसानों और बेरोजगार युवाओं साथियों की सुध नहीं है। उन्होंने मां गंगा से ये कामना की है कि मां गंगा इन दोनों वर्गों की पीड़ा और कष्ट को दूर करे। इसके साथ साथ हमने आने वाले समय में जिस प्रकार से ये मौजूदा सरकार गूंगी और बहरी हो गई है उसको जगाने का काम आज खास तौर पे हमारे साथ में हमारे किसान भाई और बेरोजगार युवा साथी हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। पूरी तरीके से ना उम्मीद होकर ना आस होकर आज माँ गंगा से हम सब उनकी जो पीड़ाएं हैं जो उनके कष्ट हैं उनको हरने की ये मनोकामना भी हम यहाँ पर करने साथ में आए हैं। और मुझे उम्मीद है जब सब आसरे छूट जाते हैं तो माँ गंगा का आशीर्वाद से वो सभी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में चल रही गुटबाजी को जल्द ही दूर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए रोजाना नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके इस बहकावे में आने वाली नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। के लिए अभी मैंने एक दिन और अखबार में पढ़ा था कि आम आदमी पार्टी में कोई हमारे सचिव चले गए। जब हमने चेक किया तो ना कोई वो सचिव हमारा पहले कभी था ना आज है। ये इस तरीके के भ्रामक जो प्रचार हैं इसी से भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी दोनों ही ये कोशिश कर रही हैं कि जो इनके प्रति लोगों का गुस्सा है उसको किस तरीके से निगेट किया जाए, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इसलिए दुष्प्रचार के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। देवेंद्र यादव के हर की पैड़ी पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद देवेंद्र यादव ने जया राम आश्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लिया और मां गंगा से देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि मां गंगा देश के बेरोजगार लोगों के साथ ही किसानों की भी मनोकामनाएं पूरी करे। इस दौरान उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस विधायक समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।